अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिविंग विद रहिला। तो व्यूवर्स, कैसे हो आप? और उम्मीद करूंगी कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, दुआओं में याद रखा होगा। और आज मैंने आपको जो है बेबी फ्रॉक है, हमारी बारबी फ्रॉक, आज मैं जिसकी कटिंग और स्टिचिंग आपसे शेयर करूंगी। और नेट की हमारी ये बारबी फ्रॉक होगी। और सबसे पहले मैंने ले ली है फैब्रिक, लॉन की फैब्रिक है, जिसको एक साइड से है वो 10 इंच की है और उसकी खुलाई मैंने जो रखी है वो है 15 इंच। और इसको कर लिया है, फैब्रिक को कर लिया है हमने डबल। और डबल करने के बाद ऐसे ही मैंने ले ली है नेट। नेट है हमारी जो ब्लैक एंड गोल्ड है, और इसको कर लूँगी डबल। और डबल करने के बाद सेम साइज़ में रख लूँगी, जैसे कि मैंने लॉन की फैब्रिक का जितना साइज़ लिया है उतना ही मैं उसका लूँगी। नेट की मेजरमेंट उतनी ही लूँगी। और साथ में मैंने सीज़र से जो है इसकी सेम कटिंग कर ली है। और इसको कर लेंगे अब हम डबल। और ये मैंने योक तैयार करनी है। और सबसे पहले जो है उसको मैं, और व्यूवर, सबसे पहले मैंने उसका तीरा लिया है 10 इंच का, और 10 इंच का तीरा लिया है। और इसके बाद जो है 4 इंच के मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। और अब मैं इसकी फिटिंग का थोड़ा सा मार्जिन लूँगी, जिसको रेडी करूँगी सीज़र की मदद से। इसकी जो शोल्डर की कटिंग कर लूँगी, और साथ में थोड़े सी मैंने तीरे का जो है वो निशान को रेडी कर लिया है सीज़र से। और अब मैंने फिटिंग की जो है इसकी वो कटिंग कर ली, और साइड से एक जैसी करके। और इसको योक को मैं सीधा करके दिखाऊंगी आपको। और ये हमारा हो गया फ्रंट साइड, बैक साइड। और अब इसको सीधा करके और सेंटर में जो है इसको थोड़ा सा कट लगाने वाला है। और इस तरीके के साथ ये हमारी योक जो है वो मैंने आपको कटिंग इसकी शेयर की आपसे। और अब इसको कर लेते हैं फिर से एक बार जो है वो डबल कर लेते हैं। और इसको मैंने कर लिया है डबल। और फ्रंट साइड जो है वो मैंने ले ली है, बैक साइड कर दूंगी साइड पर। और इसकी जो है 2.5 इंच पर इसका मेजरमेंट करूंगी। नेक डिज़ाइन की थोड़ी सी हमने शेप दे ली है डीप इसको। और इसको अब सीज़र की मदद से जो है वो मैंने नेक डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। और तकरीबन हमारा बोर्ड नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। और अब हम आ जाते हैं फ्रिल की तरफ। जो हमने योक को फ्रिल ऐड करनी है, लगानी है, 18 इंच जो है वो इसकी मैंने ली है लंबाई। सेम नेट है हमारी, और 18 इंच की मैंने ले ली है लंबाई। और इसकी खुलाई मैंने जो ली है वो तकरीबन पूरा बर ले लिया है वो मैंने, वो हमारा बर है 40 इंच का। और पूरी हमने बर का जो है वो फ्रिल लगानी है। और व्यूवर्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ 40 इंच। और इसको अब हम आ चुके हैं मशीन पर। और मशीन पर आते वक्त हमने जैसे जैसे हमारा जो नेक डिज़ाइन था या शोल्डर थे उसके नीचे हमने ब्लैक फैब्रिक ली थी लॉन की जो हमने रखी है। और इसके किनारी पर जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ, रफ सिलाई है हमारी ये। ये हम सुई के साथ कच्चा भी कर सकते थे, और अगर आप इतना टाइम ना हो सुई के साथ कच्चा करने का तो फिर हम इस तरीके के साथ रफ सिलाई भी लगा लें। और ये मैं रफ सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा हिले ना फैब्रिक। और बिल्कुल सेम हमारी फैब्रिक जो है नेट और लॉन की फैब्रिक मैं इसके नीचे जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ऊपर इसकी जो है वो मैंने नेट यूज़ की है। और जैसे जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ वैसे वैसे उधर से मैंने जो है वो सिलाई रेडी की है। अब मैंने ले ली है तकरीबन 2 से 2.5 इंच की मैंने ली थी नेट वाली फैब्रिक। और इसको कर लिया है डबल। और डबल करने के बाद
उल्टी साइड पर, हमारी जो बैक साइड है योक की, उस पर जो है वो मैं लगाती जा रही हूँ। हाफ इंच का जो है वो मैं मार्जिन देती जा रही हूँ, इसको प्लेट्स डालती जा रही हूँ। इसकी नेक डिज़ाइन पर जो है वो मैं फ्रिल लगा रही हूँ, और तकरीबन हमारी फ्रिल हो चुकी है कंप्लीट। और इसी को ही मैंने सीधा कर लूँगी उल्टा करके, उल्टी को मैंने ये लगाई थी, और अब मैंने इसको कर लिया है सीधा। और सीधा करने के बाद हमारी ये जो है नेक डिज़ाइन पर मैं फ्रिल लगा रही हूँ, और ये हमारी हो चुकी है सीधी। और सीधी पर जो है अब मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारी ये नेक डिज़ाइन की फ्रिल जो है वो हिले ना, और हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो प्यारा लगे। और ये तकरीबन हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुकी है इसकी फ्रिल। और आप देख सकते हैं कि फ्रिल मैं उठा कर आपको दिखा रही हूँ अच्छे तरीके के साथ। और व्यूवर्स, हमने लगाई थी बैक साइड पर, और बैक साइड को घुमाकर हमने सीधी साइड पर कर लिया। और अब हमने योक की जो है वो फ्रंट साइड और बैक साइड को आपको दिखा रहे हैं। और अब इसको जो है रेप पट्टी कटिंग करके, और मैं इसके नेक डिज़ाइन को बैक साइड पर जो है वो फिक्स कर दूंगी, और इसके जो है वो शोल्डर भी फिक्स कर दूंगी। और व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट की जो योक है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम सीधी साइड पर आ जाएंगे योक पर ही, और अब इसको जो है वो मैं 7 इंच पर जो है वो इसकी मार्क कर रही हूँ, और मार्किंग कर रही हूँ 7 इंच पर लंबाई। और दोनों साइडों पर 7 इंच की लंबाई लगाने के बाद मैंने एक सीधा बॉक्स जो है वो तैयार कर दिया है। और जैसे जैसे मैंने बॉक्स तैयार किया है, वैसे वैसे ही मैं सेम मैचिंग जो है वो मैंने, मेरे पास जो है वो लेस है, और लेस ली है मैंने थोड़ी सी फैंसी है मेरे पास लेस। और जैसी हमारी आज की ये फैंसी सी हमारी बेबी फ्रॉक होगी, बार्बी फ्रॉक है, और वैसी ही मैंने जो है इसके ऊपर लेस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और जैसे व्यूवर्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मार्क किया था, मार्किंग की थी मैंने, वैसे ही बॉक्स जो है वो मेरा तकरीबन तैयार होने वाला है। और व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आज की बेबी फ्रॉक होगी, बार्बी फ्रॉक होगी, ये हम बच्चों के लिए ईद पर भी, और बिल्कुल लाइट सा ड्रेस होगा, हैवी नहीं होगा, और इस तरीके के साथ हमने गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं। ताकि मैंने नीचे जो है इसका मैंने इनर जो यूज़ किया है वो भी मैंने लॉन की यूज़ कर रही हूँ इसका इनर, और इसलिए जो है अब मैंने सेम पट्टी वैसी ही ली है, और जैसे सीधी साइड पर जो है वो मैंने लगाई थी बॉक्स तैयार किया था लेस का, वैसे ही अब मैं थोड़ी सी उसको घुमाते हुए फ्रंट साइड पर जो है व्यूवर्स जो वैसे ही मैंने जो लेस है वो कंप्लीट कर लूँगी। ये डबल करके जो है वो मैंने लेस लगा दी है, ताकि ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत दिखाई दे। हमारी योक जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, और ये अब मैं आपको खोल कर दिखा दूँ, ये फ्रंट और बैक साइड, और ये फ्रंट साइड, और योक जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब मैं लूँगी इसकी फ्रिल के लिए जो बैक साइड पर जो है वो हम पिन वगैरह यूज़ कर लेंगे, या लूप्स लगाकर तो उसके बैक पर बटन भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब मैंने फ्रिल के लिए ले लिया है, फैब्रिक ले ली है मैंने साथ में, उसके लॉन की फैब्रिक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ नीचे,
ऊपर जो है वो इसके मैंने नेट यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक एंड गोल्ड नेट, सेम कलर है हमारा। और इसको मैं जो है वो चुनट्स डालूँगी, प्लेट्स डालूँगी, 1 से 1.5 इंच का हमारा प्लेट्स होगा। और इस तरीके के साथ मैं अब प्लेट्स डालूँगी व्यूवर्स। अब व्यूवर्स हम आ चुके हैं मशीन पर, और योक को जो हमने फ्रिल लगानी है उसको अब हम प्लेट्स डालेंगे, 1 से 1.5 इंच का हमने प्लेट्स डाला है। और व्यूवर्स ये हमारी जो है आज की बेबी फ्रॉक है, ये मैं आपको बता दूं कि गर्मी में भी यूज़ हो सकती है। से नीचे जो है वो इसकी हमने लॉन यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो मैंने नेट यूज़ कर रही हूँ। और ईद पर भी बहुत अच्छा ड्रेस होगा, बेबी ड्रेस होगा। और हमारी जो फ्रिल है वो तैयार हो चुकी है, और इसके साथ जो है योक के साथ हम फ्रिल लगाएंगे तो हमारी बेबी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। और पार्टी ड्रेस भी आज का ये तैयार हो जाएगा, बेबी पार्टी ड्रेस हमारा। और अब हम जो है इसके साथ योक को और फ्रिल को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। और प्लेट्स जो हैं वो हमने पहले ही एडजस्ट किए हुए हैं। अगर थोड़ी सी खुली फील हो तो आप इसकी फ्रिल को जो है वो मज़ीद फिटिंग में कर सकते हैं, मज़ीद इसके जो प्लेट्स हैं वो बढ़ा दें और फिर ये इसकी जो है मज़ीद फिटिंग हो जाएगी। कि फ्रंट और बैक साइड से दोनों साइडों से हमने जो है वो फ्रिल एडजस्ट कर चुके हैं इसकी, और हमारा नेक डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है फ्रिल के साथ। और आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ। अब मैंने इसके जो है वो बाजू रेडी करने शुरू कर दिए हैं, और थोड़ी सी कटिंग जो है वो इसके स्लीव की मैंने ज़्यादा ली थी ताकि चुनट्स इसकी डल सकें। और इसकी जो है वो शोल्डर पर भी मैंने चुनट्स डाल रही हूँ, और साथ में जो है वो इसकी फ्रंट साइड पर भी। और व्यूवर्स साथ ही मैंने जो है वो एडजस्ट करने शुरू कर दिए हैं बाजू, और चुनर्स डालती आ रही हूँ, और साथ में जो है वो स्लीव जो है इसकी एडजस्ट करने शुरू कर दिए। और ये व्यूवर्स मैंने इसकी फ्रंट साइड है हमारे बाजू की, और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसको डबल करते वक्त इसको मैंने किया है डबल। और आपको ये मैं बाजू जो है नेट का हमारा बाजू है, इसके आगे जो है वो मैं पाइपिंग करूँगी ब्लैक की। और व्यूवर्स ये हमारे दोनों बाजू जो हैं स्लीव मैंने तैयार कर लिए हैं, नेट की बारबी फ्रॉक है हमारी जो मैंने तैयार कर ली है। फ्रंट साइड पर मेरे पास एक प्यारा सा मोटिफ पड़ा था जो मैंने इसके ऊपर जो है वो नेक डिज़ाइन के नीचे मैंने फिक्स कर चुकी हूँ, और बाजू भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ये हमारा मोटिफ है जो जिसके ऊपर थोड़ी सी काम हुआ है मोती का, और स्टोन वगैरह लगे हैं जिसको मैंने सेंटर में फिक्स कर दिया। और ये हमारी हो गई है आज की बारबी फ्रॉक, और
उम्मीद करूँगी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दुआओं में याद रखें और वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।